अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 जो कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से है, स्पेशली हम लोग जो पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, वो वाला केस है। यहाँ पर बताया गया, अ वेसल ऑफ डेप्थ 2h इज हाफ फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 एंड अपर हाफ विथ अनदर लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2, है ना। इसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखेंगे जो टोटल हाइट 2h दिया गया है, तो अपर हाफ जो होगा वो भी h हाइट का होगा और लोअर हाफ जो होगा ये भी h हाइट का होगा। नीचे जो है हेवी लिक्विड होना चाहिए, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2√2 और ऊपर वाले का 2√2, है ना। अब आगे कहा गया, द लिक्विड्स आर इमिसिबल, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकते हैं। द अपरेंट डेप्थ ऑफ द इनर सरफेस ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल विल बी, कहने का मतलब ये है कि ये जो कंटेनर है, कंटेनर का ये बेस है ना, तो इसका अपरेंट डेप्थ, इसका इमेज एक्चुअली में कहीं यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा, है ना। तो ऊपर से अगर ऑब्जर्वर ऊपर है तो उसके लिए यहाँ से ये कितना नीचे दिखाई देगा, इसको कहते हैं अपरेंट डेप्थ या इमेज डिस्टेंस कहते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया ये और इमेज डिस्टेंस हो गया ये, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में और ये इमेज है, ठीक। तो इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है और दूसरा ये होता है कि अगर देखें तो यहाँ से जो लाइट चलेगा वो दो स्लैब से क्रॉस करके जाएगा, तो स्लैब से एक नॉर्मल शिफ्ट होता है, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे तो ये आता है स्लैब का थिकनेस 1 - 1/μ, जहाँ पर ये जो स्लैब है इसका थिकनेस टी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, है ना। तो यहाँ पर दो स्लैब है तो टोटल अगर नॉर्मल शिफ्ट निकालेंगे, टोटल शिफ्ट, तो वो आएगा एच 1 - 1/√2 प्लस ऊपर वाले की वजह से इतना शिफ्ट होगा, नीचे वाले की वजह से शिफ्ट होगा एच 1 - 1/√2। ये टोटल शिफ्ट होगा, मतलब ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक, ये शिफ्ट हो गया, यहाँ का यहाँ दिख रहा है। हमें तो इमेज डिस्टेंस बताना है या अपरेंट डेप्थ बताना है, तो ये वाला डिस्टेंस बताना है, तो क्या करेंगे, 2h में से ये शिफ्ट को माइनस करेंगे तब ये इमेज डिस्टेंस निकलेगा, है ना। तो अपरेंट डेप्थ जो आएगा उसको हम लोग लिखेंगे 2h माइनस टोटल शिफ्ट, है ना। तो 2h माइनस टोटल शिफ्ट जो है यहाँ से रख सकते हैं, ये आएगा h माइनस 1/√2 h इंटू 1 - 1/√2 माइनस h इंटू 1 - 1/√2, है ना। तो ये आ जाएगा 2h और यहाँ से 2h कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा h बाई रूट टू प्लस h बाई 2√2, है ना। तो इसमें से h बाई रूट टू कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा 1 + 1/2, तो h बाई रूट टू इंटू ये आ जाएगा 3/2, है ना। तो जो अपरेंट डेप्थ का वैल्यू आया वो आया 3h डिवाइडेड बाई 2√2, है ना। तो देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है, इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। मैं रूट टू से ऊपर और रूट टू से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर आएगा 3√2h और नीचे क्या आएगा 2 और रूट टू इंटू रूट टू, ये 2 है, 2 × 2 = 4 हो गया ये, है ना। तो ये देखेंगे ऑप्शन में दिया गया 3√2h/4, ये यहाँ पर दिया गया 3√2h/4, तो जो सेकेंड ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा।